हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। गांव है मेरे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे कुर्सी, जहां पे एक कोबरा को 2-3 दिनों से कुछ लोग देख रहे थे। तो कल कुछ लोगों ने उसे फिर से देखा तो मुझे संपर्क किया लोगों ने, फिर मैं उस जगह पे गया तो बहुत ही बिग साइज का कोबरा था। आप लोग को मैं दिखाऊंगा अभी जंगल में रिलीज करके, और एक सांप जिसे मैंने आज सुबह सुबह ही रेस्क्यू किया है। तो अभी हम लोग इन दोनों सांपों को लेकर के आए जंगल में रिलीज करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो इन लोगों को ज़्यादा इरीटेशन ना हो इसलिए मैं इसे तुरंत छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं इसी तरह की सांपों से जुड़ी हुई वीडियोज़ आप लोगों तक हमेशा ही लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे दोस्तों, हम लोग अभी सांप को इस जंगल में रिलीज करते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग देखेंगे इस कोबरा के साइज को, जो बहुत ही बड़ा है और इससे थोड़ा सा छोटा। चलिए दोस्तों, मैं पहले इस सांप को बाहर निकालता हूँ, उसके बाद मैं इसे निकालूंगा। मैं पहले इसे खोल देता हूँ, उसके बाद मैं इसे निकालूंगा। तो चलिए, अब हम लोग इस सांप को बाहर निकालते हैं दोस्तों। और आप लोग देखोगे दोनों ही सांप लगभग एक ही लंबाई के हैं, यहाँ पर मुझे लगता है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों इन सांपों को। इसे हम लोग इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और हिंदी में नाग, और हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे खरीस गहवन के नाम से भी जानते हैं लोग। और दोस्तों, यह सांप चूहों को खाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। तो ज़्यादातर यह सांप किसी घर में जब घुसते हैं तो उसका सीधा सा रीज़न होता है कि वो सांप उसके घर में चूहे वगैरह होंगे, इसी वजह से यह सांप घुस जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लोग नाग देवन, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा सांप। ये दोनों सांप लगभग एक ही साइज के, थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा बड़ा, थोड़ा सा ये थोड़ा छोटा है। दोस्तों, वीडियो को देख कर आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। जैसा तो वो चला गया, वो ज़्यादा ही जल्दी में था, उसे गर्मी लग रही थी शायद। तो मैं इसे भी अब इस डब्बे से बाहर निकालूंगा और छोड़ूंगा। आप लोग देख सकते हो इसका साइज को दोस्तों, कितना ही बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। आप लोग देख सकते हो दोस्तों इस सांप के साइज को, कितना ही ज़्यादा ये बिग साइज का है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं इसे अपने हाथ में, एक हाथ से उठाया हूँ, आपको देख सकते हो कितना ये वेट का है। चलिए दोस्तों, अभी मैं इस सांप को अब इस जंगल में छोड़ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से सांपों की से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ और वीडियोज आप लोगों तक हमेशा ही लाता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं हम लोग दोस्तों किसी अलग जगह पर, तब तक के लिए गुड बाय।